प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मैं हूँ आपका साथी पापा, डॉक्टर हंसराज आदि। तो कहनी पड़ेगी, डॉक्टर हाथी जब भी एंट्री मारते हैं कमाल की मारते हैं। ऐसे कैसे अचानक? अपनी बात हुई तब तो तुमने बताया ना कि तुम आ रहे हो। हाँ। कोमल, जब तुमने बताया कि आज सोसाइटी में बच्चों के साथ बचपन के खेल खेल रहे हैं, तो फिर मुझसे रहा नहीं गया और मैं आ गया। अरे पर पापा, आपने हाथी की आवाज कैसे निकाली? हाँ। कैसे? इससे? क्या बात है, हमको सरप्राइज देने के लिए देखो हाथी भाई ने कितनी मेहनत की है। ड्रेस सिलवाया, टेप रिकॉर्डर में आवाज रिकॉर्ड करके लाया। वाह वाह हाथी भाई वाह। अरे चलो भाई, अभी हाथी भाई आ गया तो ये वापस खेल शुरू करे। हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, इसीलिए तो आया हूँ। लेकिन खेल शुरू करने के पहले कोमल, थोड़ा नाश्ता हो जाए ना। ओ कम ऑन हंस, इतने महीनों के ट्रीटमेंट के बाद भी तुम नहीं सुधरे? वेलकम बैक टू गोकुलधाम सोसाइटी। एक मिनट, आप लोग सब खेलना शुरू कीजिए, मैं कपड़े बदल के हाथी से डॉक्टर हाथी बन के आता हूँ। मम्मी, हाँ। ये कौन सी गेम है? ओ बेटा, इसे चिप्पी कहते हैं। ओ ये कैसे खेलने का? हाँ। देखो बेटा, इस चिप्पी खेल में इसे ही चिप्पी कहते हैं। स्टापू स्टापू टप्पू बेटा बुला रहा है। अरे भाई टप्पू नहीं, यहाँ इसको चिप्पी बोलते हैं, बाकी इंडिया में इसको स्टापू बोलते हैं। अच्छा, ओ चिप्पी को स्टापू। हाँ, इस गेम का नाम स्टापू। स्टापू भाई मालूम है? हाँ। वाह, इसको शिक्षक का सब मालूम है। इसमें कुल मिला के 8 खाने होते हैं। यहाँ खड़े रह के पहले खाने में हमें ये चिप्पी डालने की, ऐसे। अब ऐसे लंगड़ी लेते हुए सब जगह जाने का, ऐसे। यहाँ पर दो पैर रखने का, फिर ऐसे ऐसे। फिर ऐसे चिप्पी ले लेने की, और फिर
तो चलो पहले कौन खेलेगा? मम्मी मैं खेलता हूँ। आओ बेटा। स्टापू। चलो। क्या बात है? बहुत मजा आ रहा है। कोई गल नहीं, बच्चा है बच्चा। इसे कहते हैं भौंरा, और इसे लट्टू भी कहते हैं, और इसे कहते हैं जाली। अभी इस जाली को इस भौंरे पे ऐसे रख के, फिर इस जाली को ऐसे 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 देखो बांध के, फिर ये दो उंगलियों के बीच ऐसे रख के, फिर ऐसे पकड़ना है एकदम, और एक दो तीन ऐसे घूमता है भौंरा। अब बताता हूँ तुम्हें भौंरा चलाने की कला। ओ वाह, इसे कहते हैं तारक मेहता का उल्टा भौंरा। हाँ भाई, सीधा तो सारी दुनिया चला लेती है, उल्टा चलाने में तपस्या चाहिए। वाह वाह वाह, मियां गिरा तबे टंगड़ी ऊंची ऊंची की ऊंची। चाहे खेलो आई स्पाइस, चाहे छोड़ सिपाही, पर आपस में नहीं झगड़ना, करना नहीं लड़ाई। खेल खेल में कट जाता है देखो जीवन सारा, खेल किसे नहीं अच्छा लगता, खेल किसे नहीं प्यारा। खेल को जीवन में अपना लो, सेहत को मजबूत बना लो। बच्चों, ये जो खेल हम खेल रहे हैं उसका नाम है क्विबा, हैं? चाहे खेलो छुपा छुपी, क्रिकेट, गुल्ली डंडा, हर खेलों का एक ही जैसा देखो होता फंडा। समय समय पर पढ़ो पढ़ाई, समय पे खेलो खेल, कभी ना होगे देखो बच्चों जीवन में तुम फेल। खेल को जीवन में अपना लो, सेहत को मजबूत बना लो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। लाओ भाई लाओ, लाओ लाओ। अब्दुल भाई मैं नहीं खाऊंगी, इसमें बहुत कैलोरी होती है। कोई बात नहीं अब्दुल, वेस्ट मत करो, लो मैं खा लूंगा। लो, ओके, हाँ, थैंक यू। दो तो खाओगी तुम? अरे भाई क्या, तुम्हारा साथ तो निभाना पड़ेगा ना, तुम नहीं खा रही हो तो। लीजिए बाबू जी। अरे तो मैचिंग मैचिंग है आपके कुर्ते के साथ, तो थोड़ा ऐसा गिर जाएगा तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से खाओ। आ गया आ गया। पापा जी, लाओ भाई लाओ, अभी मुझे दो।
ये बच्चों आज गेम्स खेल के मजा आया कि नहीं? बहुत मजा आ रहा है। वेरी गुड, तो जल्दी फटाफट पड़ो आइसक्रीम खा लो, क्योंकि इसके बाद हम लोग और एक इंटरेस्टिंग गेम खेलने वाले हैं, जिसका नाम है रुमाल दाव। बिड़े अंकल, ये कौन सी गेम है? बहुत सिंपल सा गेम है टापू, इसमें हम लोग दो टीम बनाएंगे और दोनों टीमों को नंबर दिए जाएंगे। अभी जो भी नंबर पुकारा जाएगा दोनों टीम में से वो नंबर के खिलाड़ी आमने सामने आ जाएंगे। अरे भिड़े भिड़े, एक डाउट है, हम लोगों को मालूम होगा कि सामने वाले टीम में किसका नंबर क्या है? अरे वही तो सीक्रेट है पोपटलाल, किसी को नहीं मालूम होगा कि किसका नंबर क्या है। अच्छा, तो वहां से किसी ने चीटिंग की? तो भाई तुम्हारे अलावा यहाँ पे कोई चीटिंग करने वाला नहीं है। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, तो दोनों टीम के खिलाड़ी आमने सामने आ जाएंगे, बीच में एक रुमाल रखा होगा। अभी एक खिलाड़ी को वो रुमाल लेके अपनी टीम में वापस जाना है और उसी समय दूसरे खिलाड़ी को उसको आउट करना है। अगर पहला खिलाड़ी वो रुमाल लेके बिना आउट हुए अपनी टीम में वापस जाता है तो वो टीम जीत जाती है, और अगर दूसरा खिलाड़ी उसको आउट कर देता है तो दूसरी टीम जीत जाती है। इसमें पॉइंट्स दिए जाएंगे और अंत में सबसे ज्यादा पॉइंट्स जिस टीम के होंगे वो टीम जीत जाएगी। बच्चे लोग समझे कुछ? हाँ पापा। तो चलो चलो टीम बनाते, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ बोलो बोलो चलो। हाँ थोड़ी देर में। दोनों टीम जंग के लिए तैयार है, टप्पू की टीम और कोकी की टीम। देखना है किसमें कितना है दम। तो सबसे पहले आएंगे नंबर 5। टपुड़ा तुमको समझ गया? तो इसी के साथ टप्पू की टीम ने अपना खाता खोल दिया है, तो स्कोर हुआ है 1-0। हम हीरो, तुम हो जीरो। जीरो बाद में हम आपको कहेंगे, आप जीरो हो। तो अब आएंगे नंबर 9। भूल मत तू हमारी टीम में। वाह 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 वाह, टप्पू की टीम का स्कोर है 2 और गोगी की टीम का स्कोर अभी तक 0 ही है। वापस हम है हीरो, तुम हो जीरो। क्या? और अगला नंबर है 2। देख गोली, मुझे लेके जाने दे, मैं तुझे चॉकलेट दूंगी। नहीं चल गोली, 3-0 कर दे, चल। अच्छा ठीक है, 2 चॉकलेट दूंगी। वाह पक्का? ये डैडी जल्दी है। अरे ले ले, पक्का प्रॉमिस? क्या बात कर रहा है? गोली गोली, ए चुप, थोड़ा गोली लेके जाओ लेके जाओ। 1-2-3 बाय। अब्दुल फरा स्कोर बता। वाह वाह वाह, गोगी की टीम ने अपना खाता खोल दिया है। जेठालाल, हमने खाता खोल दिया है, अब देखो आगे क्या होता है। अरे हम तुमसे आगे हैं। शाबाश यस, अंजलि बाबे बराबर है। अब स्कोर हो गया है 2-1। अब अगला नंबर है 7। अरे वाह, दोनों ने एकदम मचिंग मचिंग बना है। हरा हरा जल्दी जल्दी भिड़ो पे ले लीजिए।
बहुत अच्छा लगा। कांग्रेचुलेशन। क्या भिंडी मास्टर क्या कर रहा है? क्या भाई दिशाहीन भिड़े कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना। अरे चश्मे का नंबर बढ़ गया, दो तीन चश्मा और पहनो। माधी भाभी अरे जरा घेऊन जावा चश्मा वाला कड़े अन्ना। सॉरी मेरी मेरी आपने कुछ क्या तरीका हुआ मेरी क्या हुआ वो बॉल घूम गया ना मैं तो पता ही नहीं चला कि अपनी टीम कहाँ है। तुम्हें क्या भिड़े भाई जीती हुई बाजी बिगाड़ दी। सॉरी सॉरी। और इसी के साथ टप्पू की टीम का स्कोर हो गया है 3 और गोगी की टीम अभी भी 1 पर ही है। अरे क्या कर रहे हो बराबर खेलो। अगला नंबर है 3। अभी दादी कमान कविता जी क्या हमरा जीतबो 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 जीतबो। बबीता जी क्या है बहुत जॉगिंग बॉगिंग करते हैं ना बहुत फिट है एकदम। आप कभी करना चाहिए कमल बाबे? I'll try. हैं? और इसी के साथ टप्पू की टीम का स्कोर हुआ 3 और गोगी की टीम का हुआ 2। वाह। तो अगला नंबर है चौका। माधवी भाभी रुमाल इतनी आसानी से नहीं ले जाने दूंगा। रह गया महाराष्ट्र माझा महाराष्ट्र माझा। अरे मेहता साहब क्या सॉरी गाइस मेहता साहब आप हार जाएंगे ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। और अब स्कोर हो चुका है 4-2। अभी कितने पॉइंट पीछे हो लोग? 2 पॉइंट। और अब नंबर है 1। ओ मेरा नंबर आया। संभल के पोपट भाई आराम से हाथी भाई को जरा थोड़ा मौका देना ऐसा नहीं। हाथी भाई इज्जत आपके हाथ में है अभी कुछ आपकी हाथी में है भाई। हाथी अभी ये पोपट क्या कर रहा है मजाक उड़ा रहा है मेरे दोस्त का। चलो चलो हाथी भाई और थोड़ा और ये झुक नहीं पाए। भाई जल्दी से ले लीजिए थोड़ा थोड़ा झुको। अरे झुको। अरे पापा का लोअर भागो थोड़ा और। अजी भाई और सॉरी है सॉरी। गोकुलधाम सोसाइटी का कंपाउंड रुमाल दाव का खेल डॉक्टर हाथी का धौल और पोपटलाल चित भाई कमाल का दृश्य। वैसे ये दृश्य हमारे पारंपरिक खेलों में बड़े आम है जहां उमंग है उत्साह है मस्ती है धूम है। ये सब उमंग और उत्साह कंप्यूटर वाले खेलों में कहा भाई। गोकुलधाम सोसाइटी के लोगों ने ये तो बहुत अच्छा किया बहुत ही अच्छा किया। बच्चों के साथ ये पारंपरिक खेल खेले क्या कमाल के खेल है डब्बा स्पाइस कंचे। भाई आप लोगों ने भी बचपन में खेले होंगे और मैं तो कहता हूँ अभी भी थोड़ा वक्त निकालिए अपने बच्चों के साथ ये सब खेल खेलिए। उन्हें सिर्फ इन खेलों की ही जानकारी नहीं मिलेगी आपके भीतर बैठे हुए उस बच्चे की भी जानकारी मिलेगी जो बहुत सच्चा है जो आपके अपने बच्चे के साथ खेलना चाहता है। उनसे थोड़ा सा दोस्ती बढ़ाइए वो कंप्यूटर और वीडियो गेम के चक्कर में ना आए
इसके लिए आपको अपना थोड़ा वक्त निकालना पड़ेगा और उनके साथ वो सब खेलना पड़ेगा जो आपने बचपन में खेला है। और फिर देखिए, जब आपके बचपन की यादें ताजा होगी तो आपके चेहरे पे कितनी खुशी होगी, आपके मन में कितना उल्लास होगा, उतना ही उल्लास जो इस वक्त गोकुलधाम सोसाइटी के कंपाउंड में। लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है, खेल ही नहीं हंसी भी, ठाके भी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा भी देखते रहिए, पर हम इसी तरह भारतीय संस्कृति से आपका परिचय कराते रहेंगे और कहते रहेंगे हिंदुस्तान जिंदाबाद। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.